हेलो एंड वेलकम बैक गाइस माय नेम इज़ सी प्रति और आज के इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं हम अपनी माय सिक्वल की सीरीज को स्टार्ट करेंगे हम डेटाबेस से और फिर हम देखेंगे कि माय सीक्वल की, की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है उसके बाद हम देखेंगे माय सिक्वल की शेल को कमांड लाइन को या माय सीक्वल वर्क को कैसे यूज कर सकते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्ल क्वेरीज स्टार्ट करेंगे हम कैसे हम डेटाबेस को बना सकते हैं उसे यूज कर सकते हैं उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करके इंसर्ट कैसे कर सकते हैं डेटा देन हाउ वी विल अपडेट द डेटा इन साइड द टेबल और

MySQL एक DBMS है, मैनेजमेंट सिस्टम अब डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो भाई DBMS को समझने से पहले अब हमको समझना पड़ेगा कि भाई ये database क्या है इसको समझने के लिए मैं खोलूंगा अपना ब्राउजर और देखूंगा कि डेटाबेस क्या है सो so गाइज यहाँ पर मैंने अपना ब्राउजर खोला और उसके अंदर मैंने सिंपली टाइप कर लिया वट इज डेटा बेस और देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट शो करता है सबसे पहले तो ये यह हमें पे दिखा रहा है स्ट्रक्चर सेट ऑफ डेटा हेल्ड इन अ कंप्यूटर स्पेशली वन दैट इज एक्सेसिबल इन वेरियस वेज अभी हम नीचे आ जाते हैं तो हमको यहाँ पे ओरैकल की साइट uh, मिल रही और इसका ओरैकल का आर्टिकल मिल रहा है इसको हम खोलते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि बेसिकली डेटा है क्या सो so यहां पर लिखा हुआ है डेटा बेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन और डेटा तो डेटा की ऑर्गेनाइज कलेक्शन यानी कि डेटा हमारा एक ऑर्गेनाइज

तो आगे आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे तब तो आपको ये सब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी लेकिन अभी मैं आपको बता दूं हमारा एक डेटाबेस बनेगा हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक डेटाबेस बनेगा उस डेटाबेस के अंदर डेटा तो स्टोर होगा बट वो डेटा स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स यानी कि वो डेटा तो स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर लेकिन हमको एक लॉजिकल व्यू जो मिलेगा वो मिलेगा टेबल्स की फॉर्म में इस चीज को हम प्रैक्टिकली अगली से अगली वीडियो में देखेंगे जब हमारा माई इंस्टॉल हो चुका होगा अभी हमको सिर्फ इतना समझ आना चाहिए कि हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा तो स्टोर है वो रैंडमली स्टोर हो सकता है डेटाबेस के अंदर कहीं पे भी कोई भी चीज स्टोर हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड ऑल बट वो हमको एक लॉजिकल व्यू जो देगा वो टेबल का व्यू देगा यानी कि हमने एक टेबल बनाई होगी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नाम की एक टेबल उसके अंदर हमारा रोल नंबर हो सकता है स्टूडेंट का नेम हो सकता है स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं उसका सब्जेक्ट हो सकता है उसकी क्लास हो सकती है तो एक रिलेशनल व्यू हमको मिलेगा टेबल uh, की फॉर्म में और इसलिए से रिलेशनल डेटाबेस भी कहा जाता है यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप आर डी बी एम एस कहीं पर लिखी हुई टर्म देखें तो उसका मतलब सिंपली ये है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर डेटा टेबल की फॉर्म्स में स्टोर है और आगे हम यहां पर देखें तो डेटा कैन देन बी इजिली एक्सेस मैनेज मॉडिफाइड अपडेट कंट्रोल एंड ऑर्गेइज एंड मोस्ट डेटा बिच यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर राइटिंग एंड क्वेरिंग डेटा अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि डेटा बेस क्या है और हमारा जो माई एसक्यूएल है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो माई एसक्यूएल अलग चीज है और एसक्यूएल अलग चीज है माई एसक्यूएल हमारा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और एसक्यूएल हमारी एक लैंग्वेज है माई एसक्यूएल नाम के डेटाबेस के अंदर हमको कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए वहां से रिट्रीव करने के लिए इंसर्ट करने के लिए डेटा टेबल्स के अंदर कुछ भी करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होगी जो कि हमारी SQL है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे और भी कई सारे हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि हम माई करें हम यूज कर सकते हैं Oracle को भी हम यूज कर, कर सकते हैं और भी हम कोई दूसरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं बट क्वेरी लैंग्वेज सिमिलर होगी जो की है एसक्यूएल सो एसक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज एंड माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अब यार मैं ये पूरा आर्टिकल तो समझाऊंगा नहीं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप इस आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हैं अब मैंने यहां पर एक दूसरी टाइप खोलकर सिंपली सर्च किया है व्हाट इज माय एसक्यूएल तो माय एसक्यूएल पे अगर आप देखें ये विकिपीडिया का आर्टिकल तो ये बोल रहा है माय एसक्यूएल इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एक डीबीएमएस है और रिलेशनल डीबीएमएस है दैट इज आर डीबीएमएस यानी कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होगा अब मैं अगर आपको इसको खोल के दिखाऊं तो ये माई एसक्यूएल की साइट है अब यहां पर आप देखें तो माई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है ये बात मैं आपको बता चुका हूं माई सीक्वल डेटाबेसिस आर रिलेशनल ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं और यहां पर आप देखें

एसक्यू डेटाबेस वगैरह के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अगर आपको इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझना है कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं कैसे करें तो मैं आपको अपनी पाइथन माइसिकवल की सीरीज की फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस वीडियो को जाके आप जरूर से देखें आपको और क्लियरिटी मिलेगी सिर्फ पांच छह मिनट का वो एक वीडियो है उन चीजों को मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया डीबीएमएस तो बहुत सारे हैं यानी कि माइ सिक्वल भी है और भी है पोस्ट ग्रेड सिक्वल भी है माइक्रोसॉफ्ट का एम एस एक्सेस वगैरह भी है लेकिन हम यहाँ पर इस सीरीज के अंदर स्पेसिफिकली यूज करने वाले हैं माई एसक्यूएल को और माई सीरीज है अब आपको एसक्यूएल की क्वेरीज चलानी है तो हम माई सिक्वल को इंस्टॉल करेंगे इसके इंस्टॉलेशन हम देखेंगे अगली वीडियो में आप माई सिक्वल को इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर हमारे पास कमांड लाइन है शेल है डैशबोर्ड है अलग अलग जगह पे हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो इसकी इंस्टॉलेशन तो हम अगली वीडियो में देखेंगे बट हम एसक्यूल की क्वेरीज को ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन रन नहीं कर सकते ऑनलाइन भी हम इन्हें रन कर सकते हैं ओर एक्ल का लाइव सिक्वल है उसको हम यूज कर सकते हैं वहां पर हम क्वेरी रन uh, कर सकते हैं हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप माई सिक्वल को इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में और तब आप क्वेरीज को एग्जीक्यूट करें उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और ये एक कन्वीनियंट वे है इस काम को करने का बट अगर आपको ऑनलाइन भी एसक्यूल क्वेरीज रन करनी है उसके लिए मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप अपनी ब्राउजर की एक विंडो खोल लीजिए और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा और, और, और इसको मैं खोल लूंगा ओरैकल लाइव सीक्वल को यहाँ पर आप सिंपली स्टार्ट कोडिंग पे, नाव पे क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा इसके लिए आपको ओरेकल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी इसको खुलने देते हैं हम फिर देखते हैं और यहाँ पर हमको चाहिए होगा एक ओरेकल अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन वगैरह करके आपको दिखा देता हूं अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी यहाँ पर आप जॉब टाइटल वगैरह अगर आप स्टूडेंट है स्टूडेंट वगैरह दे सकते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स फिल कर सकते हैं और अपना ओराकल अकाउंट बना सकते हैं फिलहाल मैं आपको लॉग करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये अंदर से कैसा दिखता है सो फिलहाल ये लॉगिन हो रहा है और यहाँ पर मैं इसके अंदर लॉगिन कर चुका हूँ आप अकाउंट वगैरह बना लें और इसे लॉगिन कर लें तो इसका कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस है और इसके अंदर हम यहाँ पे अपनी एसक्यूएल क्वेरीज लिख सकते हैं ऊपर और नीचे हम आउटपुट देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक बेसिक सी क्रिएट टेबल कमांड चला के देखता हूँ क्रिएट टेबल टेबल विद स्टूडेंट मैं बना लेता हूँ और स्टूडेंट तो आपको ये सब अभी समझने की कोई जरूरत नहीं है मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि लाइफ uh, सिक्वल like को यूज करके आप ऑनलाइन भी अपनी क्वेरीज को रन कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं सिंपल दे देता हूँ नेम वेर केयर और यहां पर मैं सिंपली एक ही ये रख लेता हूँ जस्ट मैं एक सैंपल टेबल क्रिएट करके दिखा रहा हूं आपको मैं अगर रन करूंगा तो यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गई है इसके अंदर हम डेटा वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं वो सब हम आगे देख लेंगे बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ सीक्वल के अंदर भी आप अपनी क्वेरीज रन कर सकते हैं यहाँ पर आप आउटपुट वगैरह देख सकते हैं और ये टेम्परेरी यूज के लिए बेसिकली आप जस्ट थोड़ा बहुत कुछ चला के देखना चाहते हैं तो उसके लिए डेमो के लिए देख सकते हैं बट बेसिकली आप माई सिक्वल को इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पर मैं यही सजेस्ट करूंगा और आप आगे की सीरीज को फॉलो करें उसके अंदर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ बाकी मैंने डेटाबेस रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी क्रिएट किए हुए हैं आप उन शॉर्ट वीडियोस को देख के भी कुछ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो इफ यू आर इंटरेस्टेड लिंक इस द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो so, आशा करता हूँ गाइज ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी डेटाबेस बेस माई सिक्वल सीक्वल और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम माई सिक्वल को कैसे इंस्टॉल करें और उसे कैसे यूज करें सो so, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखूंगा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और आगे की वीडियो उसको फॉलो जरूर करें सो so, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखूंगा थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन